हेलो जी, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग गाइस। तो यार आज मैं पारेक आपको बहुत ज्यादा ईद मुबारक गाइस। साथ में ये डंडा है, कोई अंडा तो नहीं? आप लोगों को ईद मुबारक विश कर दो, कोई मसला तो नहीं? तो यार अब का सीन यूँ है क्योंकि गर्मी बहुत इंतहा की है तो किचन में आके की ऐसी हालत हो जाती है। तो अभी हम बनाए थे जवे, क्योंकि ईद है तो कुछ मीठा तो बनता है। ये है जवे। तो भाई अभी बस ये हम बना रहे हैं, ठीक है। और आपको भाई बकरों की तो आवाज़ आ ही रही होगी, तो मज़े के बन रहे हैं। आपको भाई बकरे की आवाज़ आ ही रही होगी, बोल बोल के मुझे तो लग रहा है उसका गला ख़राब हो जाएगा। अभी हम बाइट चलते हैं, आपको बकरा भी दिखाते हैं। तो अभी हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई यार अभी हम बाहर आए हैं, ठीक है, और ये है बकरा। और इसने पूरी गैराज में इतना गंद मचाया है ना। तो भाई हाय, हेलो टू माय व्लॉग। मेरा हाथ मत खाना प्लीज़। खैर इसको मेरे कपड़े बहुत पसंद आ रहे हैं रात से, कि बस मैं इसको पकड़ूँ और खा लूँ। खैर यार अब ये बकरा आ गया, इसने हलाल हो जाना, तो मैं थोड़ी सी दुखी भी हूँ। कोई बात नहीं यार, आजकल क्या वो है, किसी की ईद के लिए किसी को कोई बान होना पड़ता है कुछ इस टाइप का। तो भाई उसी फ्लो पे हम भी चलते हैं। तो भाई ये है प्यारा सा बकरा जो मैंने ज़िंदगी में दूसरी तीसरी बार बकरे को हाथ लगाया होगा, मुझे तो इतना डर लगता है। चलो भाई अब हम मीठा बन रहे हैं, मीठा खाते हैं। और पापा और भाई गए हुए अभी नमाज पढ़ने, वो आते हैं तो फिर मिल के सारे खाते हैं। आप सबको भाई ईद मुबारक। अब हम तो इधर सोएंगे जब तक ये बकरा हलाल वगैरह हो जाएगा, क्योंकि मैं तो कमरे से भी पैर नहीं आती जब ये सब हो रहा होता है। तो ये सब हो जाएगा, हम तैयार शहर होंगे तब तक, फिर अब आपको मिलते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर तो सोएंगे, क्योंकि रात से सोए नहीं हुए, ब्लॉग एडिट किया और अभी वो पोस्ट भी करना है, तो वो 2-3 बजे तक पोस्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको यार। तो भाई क्या फील कर रहे हो तुम? मुझे इस वक्त इतना डर लगता है, ये मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। मुझे अगर इससे मारा ना तो फिर मेरी सारी ईद ख़राब हो जाएगी, तो मुझे इस तरह को देख। खैर यार गाइस अब आपको हम मिलते हैं मीठा खाते हुए। तो मैंने कहा आपको इस तरीके से बकरा दिखा दूँगी, कि मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा, मुझे सख्त लग रहा है। चलो आपको मिलते हैं। तो गाइज़ यार ये जवे बन गए, ठीक है, आप ये देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से मैंने प्लेटों में डाल दी हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरी भी शक्ल दिखाने की हिम्मत है, मुझे बहुत गर्मी लग गई है, मास्क के अंदर कमजोर गर्मी लगी। खैर ये मैंने प्लेटें सेट कर दी हैं, अभी ठंडे हो जाने से पहले हम ये खाते हैं और आपको मिलते हैं अब हम शाम को। तो गाइज़ यार फिर अभी हम सो के उठ गए थे, और यार मैं उठी, मैंने बाल स्ट्रेट करने लगी थी, तो मैंने स्ट्रेटर में स्पार्क हुआ और वो ख़राब हो गया। तो ईद के दिन यार स्ट्रेटनर ख़राब हो गया। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से ना साथ ही रहती है, तो उससे मैंने स्ट्रेटनर मंगवाया, उससे मैंने बाल स्ट्रेट किए, उसको भी चाहिए था तो बस मैंने कर लिए हैं। बट काफ़ी जगह से ना यहाँ से जैसे बाल स्ट्रेट नहीं हुए हुए, यहाँ से भी अब सही से नहीं हुए हुए, लेकिन ठीक है चलाओ काम हो सकता है। तो यार बस अब जल्दी से होते हैं रेडी और आपको फिर मिलते हैं। और यार बड़ा दुख हुआ ईद के दिन स्ट्रेटनर चल गए। चलो अब तो होना था, क्योंकि अब तो अभी ले भी नहीं सकते क्योंकि ईद है, सब शॉप्स बंद होंगी, लेकिन ठीक है जैसे भी हुआ। अब तो यार सही हुआ कि नहीं, यहाँ से सही नहीं हुआ, कुछ यहाँ से भी सही नहीं हुआ। तभी आपको तैयार होके फिर अपनी लुक दिखाते हैं और ड्रेस भी। गाइस यार हम रेडी हो गए थे, ठीक है, अभी हम आपको अपनी लुक दिखाते हैं। हमें हो रही थी देर, मुझे तो ऊपर आते साथ ना सर में दर्द शुरू हो गया, इतनी गर्मी है। खैर यार अभी हम बस जा रहे हैं पिक्चर्स लेने के लिए, और फल्ला धूप यहीं से बहुत है। ओए होए होए इस धूप में आपकी बहन पता नहीं ज़िंदा कैसे रहेगी, लेकिन खैर हम पिक्चर्स लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं। ऐसे यार हमने खाना शाना खा लिया था, खाना शाने के बाद मैंने उधर जाके कहा यार स्ट्रेटनर दे दो, मैंने अपने बाल थोड़े से सही से ना स्ट्रेट करने, तो मैंने हल्के हल्के कर्ल्स कर लिए क्योंकि मुझे स्ट्रेट इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो यार फिर हम बहन की तरफ गए, बहन से नानू की तरफ आए, कि सालों के घर ही होना होता है सीट पर, और क्या होता करने के लिए। सबसे बड़ी बात है ईदी तो मिलती नहीं है, तो ईदी क्या ईद ऐसी कोई बात नहीं गाइस। तो यार अभी हम बस पिक्चर्स ले रहे थे, पता नहीं अच्छी आई हैं कि नहीं, लेकिन गर्मी बहुत है, दिल ही नहीं करा पता नहीं क्या पिक्चर्स लेने का। तो यार मौसम अभी बहुत कमाल का हुआ था, पहले ज़्यादा अच्छा हुआ था,
वो मैं आपको क्लिप्स बाद में दिखा दूंगी, मैंने बनाई थी। लेकिन यार गर्मी बहुत है, तैयार होने का लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है, बट आपने अपने खुशी के लिए तैयार होना तो हो जाओ। ये मैंने जूता पहना था इसके साथ, पता नहीं सूट में मुझे लग रहा है अच्छी पिक्चर्स नहीं आ रही है, पता नहीं आ रही हैं। तो यार अभी हम अंदर चलते हैं और आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एसी की हवा थोड़ी सी लेते हैं ना, ठीक होता है, वरना अभी तो मुझे बहुत शदीद गर्मी लग रही है। तो अंदर चलते हैं, मैंने ज्वेलरी वगैरह भी उतार दी है, अब बाकी पिक्चर्स मैंने ऐसे लिए हैं क्योंकि मुझे सच में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अंदर चलते हैं और आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गई गाइस, यार अभी हम बैठे हुए थे सबके साथ, तो अब सीन कुछ यूँ है कि अभी हम जा रहे हैं KFC खाने के लिए, क्योंकि यार कुछ और हैवी खाने का दिल नहीं था, तो हमने कहा चलो KFC खा लेते हैं। तो बस KFC चलते हैं और आपको मिलते हैं वहाँ जाके, तो मिलते हैं यार। सो यार हमने खाना घर मंगवा लिया था क्योंकि KFC में इतना ज़्यादा रश था कि फिर हम घर ले आए थे, तो भाई ये खाना आ गया और अब हम इसको बस खाने लगे हैं। तो यार KFC में तो पता नहीं ईद का कितना रश है, तो हमने खाना डाल लिया था, खाते हैं और आपको मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद। अभी हम बाहर जाना था KFC खाने के लिए, बट वो हम घर पे ही ले आए थे और खा लिया था क्योंकि यार बाहर इतना ज़्यादा रश था, KFC में लाइनें लगी हुई थी बाहर। तो हमने कहा खाना ये घर बैठ के खा लेते हैं, तो हमने घर बैठ के खाया था। वो मैंने आपको छोटा सा दिखाया था कि सारा कुछ आ गया, क्योंकि सारे फैमिली तब बैठी हुई थी और ऐसे अच्छा नहीं लगता है सबके बीच में आप व्लॉग बना रहे हो। तो भाई आज का दिन हमारा एंड होता है, कुछ इतना ख़ास नहीं था क्योंकि बड़ी ईद पर आप सबकी तरफ जाते हो या ऐसा कुछ होता है। तो गाइज अब आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में, बहुत बहुत आपको ईद अज़ा मुबारक हो गाइज, और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अभी के लिए गाइज अल्लाह हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अल्लाह हाफिज़। चार मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।